एंड यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ डिनर की तैयारी। शिवी को रूम में छोड़ के आई हूँ। मेरा बेटा रो रो की हालत खराब कर ली मेरे बेटे ने। उसे मैं बिठा के आई थी बेड पे और इतना रोने ही लग गया ना, रो रो की हालत खराब कर ली इसने। और यहाँ कृष्णा के लिए मैगी बन रही है, मेरे लिए राइस बन रहा है, शिवी के लिए दलिया बन रहा है ना। सब अलग अलग खाएंगे। नहीं मैं भी मैगी खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अनियन कट कर रखे हैं, टोमेटो कट कर रखे हैं। आप जाओ बाहर, मम्मा खाना बना ले फिर आना। यहाँ पे देखो बाबू मैं कुकर रखूंगी, यहाँ पे एक कढ़ाई रखूंगी, एक और कढ़ाई यहाँ पे रखूंगी। मैं सोचे तीन चूल्हे मेरे पास, तीनों के लिए मैं काम करना स्टार्ट कर दूं तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा, इसलिए आप जाओ। ठीक है शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए दलिया चढ़ाती हूँ आज, इसे भूख लग रही है। और यहाँ पे मैं ना दलिया है ना पहले से सेक के रखती हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ इससे। सोचा तो मैंने कुछ और ही था बट अब दलिया बन रहा है, कोई बात नहीं। और मैंने इसलिए दाल भिगो के नहीं रखी थी, इसमें मैं दाल भी डालूंगी दलिये के साथ, मूंग दाल जो होती ना। ये देखो बिस्किट बिल्कुल नहीं खाते, पूरा गिरा दिया। खा ले थोड़ा बहुत, नीचे गिरा दिया। आ मम्मा को खिला दोगे? देखो गिर गया है ना बेटा। यहाँ बैठ जाओगे मेरे बच्चों? गुड गर्ल मम्मा की। ये वाली जो दाल आती है ना पीली वाली मोगर वाली, वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी। छोटे छोटे हाथों से ऐसे खाते ना जब बच्चे, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। और हमारी छोटी सैतान है ना दलिया फैलाने में लग रही है। नहीं बेटो नहीं करती ना, ये भर लाई मुट्ठी भर के लेके आ गई उसमें से। यहाँ पे चुप रहो, पर बेड पे नहीं बैठेगी ये। पूरे हाथ गंदे गंदे हो गए आपके गप्पू गबुड़ी। हेलो चेतानी। नहीं 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 नो नो अरे नो नहीं करना। जो काम मम्मा बना करेगी ना वो काम ऐसे जरूर करना। मतलब इतनी ज्यादा नोटी हो गए बच्चे, समझदार हो गए ना, तो समझने लगे जो काम मम्मा ने बोला है ना वो काम मुझे जरूर करना है ना, मना किया गया। नीचे खेलो ना मम्मा, जल्दी जल्दी काम कर लेगी बेटा। सर नीचे नहीं खेलना, मैं बोल रही हूँ मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगी, नीचे खेलेगी तो। एक तरफ मैंने दलिया चढ़ा दी, एक तरफ मैं राइस फ्राई करती हूँ और एक तरफ मैगी बना रही हूँ। तेल की बोतल खुलती है यार, तेज होती है, मेरे तो हाथ भी सूखे ही हैं, चिकनी बोतल हो जाएगी, उल्टा हो जाता है कभी कभी तो, ऐसे हो जाता है ना कान। बच्चों को गोदी में लेके काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लाइटर भी काम नहीं कर रहा, आई थिंक केस बंद है नीचे से। लाइटर कैसे काम करेगा जब गैस बंद हो नीचे से, पूरा चिकना हो गया यार, ऑयल फैल गया। Ah!
एंड आज मैं सोच रही थी कि ना मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, इसलिए मैं रोटी सब्जी भी नहीं बना रही थी, छोटी मोटी चीज़ें ही बना रही थी कि मेरे से जल्दी बन जाएगा। और आज मेरा मन भी नहीं था मतलब कुछ स्पेशल बनाने का, क्योंकि आज ये जा रहे हैं गाँव और मैं सोच रही थी यार जल्दी से ये आए और हम लोग साथ में ना टाइम स्पेंड कर सके, थोड़ी देर बैठ जाए, बातें बातें करें, फिर ये चले जाएंगे 3-4 दिन के लिए, फिर तभी आएंगे, तब तक हम लोग आराम से बात कर ले। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या मुंडका आप कुछ नहीं कह सकते हो यार, दोनों मतलब कृष्णा को कैसे ना कैसे बिठा के, बट सिवी को जो मैं काम कर रही हूँ उतने से नीचे नहीं बैठना होता, ऐसे ही आराम से खेलेगी, बट ऐसे में मेरी गोदी में ही खेलेगी। और यहाँ पे मैंने एक तरफ है ना मैगी की तैयारी कर ली, एक तरफ मैं ना चावल बना रही हूँ, राइस फ्राई करूँगी, राइस मैंने बॉइल करके रखे हुए थे तो वही मैं यूज में लेने वाली हूँ यहाँ पे। तो मैंने बस जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ और एक हाथ में शिवी को ले रखा ना, मेरे हाथ ना दुखने लग जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हाँ मेरे हाथ गए काम से, बट मोस्ट ऑफ टाइम यही ही होता है कि दो यही मेरी गोदी में ही होती है, बहुत रेयर होता है जब ये आराम से खेल ले। और यहाँ पे ना इन्होंने आते आते रोल लेके आए थे पैक करवा के, तो हम सब लोग रोल लेंगे आज डिनर में, यही होने वाला है, रोल है, मैगी है और राइस है, सारा अनहेल्दी खाना आज के लिए है। कभी कभी अनहेल्दी चलता है लाइफ में, वैसे तो आजकल इन दिनों में ना कुछ अनहेल्दी हो ही जाता है। एंड हम लोगों ने साथ में डिनर फिनिश किया तब मुझे याद है कपड़े तो लेके आना है ऊपर से, तो फिर मैं जल्दी से कपड़े लेने गई। तब तक आप खा रहे आपने खा रहे क्यों खा लो, मेरे लिए चॉकलेट लेके आया, मैं बोल रही हूँ तू खा ले। नहीं आप खा लो। मैं खा लो पूरी खा लो, क्या बात है यार, ऐसा तो कोई रेयर होता है कि बच्चे लाके चॉकलेट मम्मा को दे, खा लो पक्का आ जाओ ठीक है, थैंक यू। मैं बर्तन साफ कर रही थी यहाँ पे और इसने आके अभी मुझे चॉकलेट दी तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अब पढ़ाई करोगे ना, अभी मम्मा के आपको पढ़ाई करवाती है ठीक है, आज सारी खा लो पहले, पहले ही खाऊं सारी हाँ। अभी तो मम्मा ने इतना सारा खाना खाया है, सुबह खा ले तो मम्मा सुबह खा ले, कैची भी नहीं दिख रही ना ये, सारी चिपक रही है, सारी खा लो नहीं खा रहा है, आपको खानी है, मैं तो यहाँ पे बर्तन हो रखे हूँ। आजकल है ना कृष्णा को एक नया शौक छिड़ा है, मेरे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, जब भी मार्केट जाएगा या फिर नीचे जाएगा दुकान पे इसको पैसे दिखेंगे 2 रुपीज की आती है मंचे या 5 की कुछ ऐसे ही है सस्ती वाली, इसको जब भी कोइन दिखेगा ये जाएगा मम्मा के लिए लेके आएगा, मुझे इतनी ऐसी आती है खुद बिल्कुल भी नहीं खाएगा, देखो मम्मा मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूँ, मम्मा आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, मैंने कहा तू तो खा लेके आता है फालतू, मैं इसे मना बहुत करती पर ये मानता ही नहीं है और ले आता है। और यहाँ पे मैंने कहा ना कपड़े पैक करने के लिए पहले आयरन कर रही थी, मैंने आयरन भी कर रखी थी तो मैंने जल्दी जल्दी आयरन कर रही थी, सी भी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती यार मैं क्या करूं, पर बच्चों के साथ यही होता है यार कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर बहुत अच्छा लगता है, अब तो मुझे आदत हो गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बस कुछ दिनों की तो बात है यार, फिर ये बड़ी हो जाएगी कृष्णा की तरह तो समझदार हो जाएगी, यही पल है जो मैं इसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। देखो ये मुझे बिल्कुल आयरन नहीं करने दे रही और मुझे डर भी लग रहा है कि आयरन यार गर्म है तो इसके थोड़ा से भी लग गई ना तो जल जाएगी, तो मैं इसको बार बार साइड में कर रही थी और इन्हें जाना भी था तो मैं जल्दी जल्दी बैग भी पैक करना था और ये करने भी नहीं दे रही थी तो मैं इधर उधर डाइवर्ट करती जा रही थी, साथ के साथ इनका बैग भी पैक कर रही थी और इसके साथ खेल भी रही थी क्योंकि इसको क्या चाहिए कि सारे दिन सब लोग इसके साथ मस्ती करें और इसका मूड अच्छा होगा ना तब तो बहुत देर तक खुद भी खेल लेती है, और जब मूड नहीं है और मम्मा को काम करना है और मम्मा को जल्दी है ना तो बच्चों को ऑटोमेटिकली है ना पता नहीं कौन सा उनके अंदर कुछ होता है पता चल जाता है, इस टाइम पे मम्मा को है ना खेलने नहीं देना, मम्मा को सॉरी काम नहीं करने देना तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता होता है, वो उस टाइम पे डिस्टर्ब करते हैं। और ऐसे जब हम नॉर्मली बैठे रहते हैं कुछ नहीं कर रहे होते तब ये भी आराम से खेल रहे होते हैं तब ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस शिवी को डिनर करवाया था, हम सब लोगों ने खा लिया था, ये रह गई थी तो मैंने इसको लास्ट में बस डिनर करवाया था, उसके बाद में बस फाइनल टाइम आ गया, थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की और अब ये जा रहे थे ना, मैं गुड बाय बोल रही थी कि मुझे आपकी याद आएगी, और दो बच्चों के साथ रात को अकेले गुजारना, बच्चों के साथ अकेले रहना अपने आप में एक टास्क होता है तो बस वही मुझे लग रहा था मैं कैसे ही रहूँगी, अभी ये दिन में नहीं होते थे बट रात में तो मेरे साथ होते ही होते थे, रिवीजन करवा रही थी एक बार ही रिवीजन कर रही हूँ पर ये करने नहीं देती है, इसको वो सेम चीज की है जो कृष्णा भाई के पास थी, ये आप इसे पकड़ लो आप ही
यहाँ मैं इसके लिए भी लेके आई हूँ बुक और पेन, तब ये पढ़ने देगी उसे, वरना ये पढ़ने नहीं देती है। और इसकी हिंदी का रिवीजन चल रहा है। दो भिंडी भी सीख दी, भिंडी, आलू, प्याज, पालक, भिंडी और जाना है। मतलब इसको फिर भी वहीं पे बैठना है, जाना नहीं है। ये ना आप यहाँ पे बैठ रहे हो, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे ना। आलू सही है, प्याज सही है, पालक सही है, गाजर सही की है। चलो फाइनली आलू, गाजर, प्याज, मटर, टमाटर लिखना सीख गया। तो कल इसको सब्जियों के नेम हिंदी में पूछे जाएंगे, लिखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। हाँ, अब वो लिखो बॉडी पार्ट्स, आंख, नाक, कान, होंठ, पैर, ये सारी चीजें इसको हिंदी में लिखनी है। ये लिखो हमारी, ये नहीं रुकेगी, मतलब सब रुक जाए तो बस अभी मैं इसको पढ़ाई करवाऊंगी। 9 बजे तक मेरे दोनों बच्चों को फिर मैं सुला दूंगी। हाँ, ओ देखो शिविर ने कितनी सारी पढ़ाई की है, देखो उसने कितनी सारी पढ़ाई की है। डिफिकल्ट है इसको आजकल पढ़ाई की। ओके माता, अच्छा इसको हैप्पी लगेगा ना ऐसी वाली, नहीं ऐसी नहीं बेटा, ऊपर वाली मात्रा लगेगी ना, ओके मात्रा। ये नहीं समझती तो मैं चलो दादी दीदी कैरी ऑन करती हूँ, पहले इसको पढ़ाती हूँ, इसको भी संभालती हूँ। जाओ 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 जाओ, देखते क्या करती है। यहाँ रखो आपकी बुक, वो भाई को दूर भगा दिया, ये यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेगी भाई। टेबल इसको भी तो चाहिए, भाई को ये थोड़ी ना होनी चाहिए। और कौन सा है? आपने लिख दिया नाक, होंठ, पैर, कान कौन लिखेगा, आंख कौन लिखेगा। प्रश्न अभी है ना, फेस वॉश करने गया, सीवी उसके पीछे पीछे गई, तब तक मैंने आप सोने के लिए बेड बना दिया, बेड फटकार थे क्योंकि बेड पे खेलते थे, बेड गंदा हो जाता, बस रात को मैं ना वापस मैं एक बार बेड बनाती हूँ, बेड को क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद में ये कृष्णा रखता है, ये बोतल आप देख रहे हो ना, वो कृष्णा रखता है भर के, रात को उसको पानी पीने के लिए चाहिए। उसके बाद में 9 बजे के समथिंग, 9:15 तक मेरे दोनों बच्चे सो जाते थे, ऐसा मेरा डे रहा दोस्तों। बाय बाय।